सांसद देवजी एम पटेल के घर एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने प्रदेश भर के बड़े बड़े भाजपा के लीडर पहुंचे। आज दिन भर भाजपा के कार्यकर्ता और बड़े बड़े लीडरों का आवाज जावी रही और आना जाना लगातार तांता बना रहा। उनके घर उनके भतीजे की शादी समारोह का कार्यक्रम था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड भी था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधे ने सांसद देवजी एवं पटेल के आवास पर प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड आम जन के बीच में बैठकर सुना। जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सांसद के आवास पर पहुंची तो उन्होंने पहले संत महात्माओं का शरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। संत महात्माओं का आशीर्वाद लेने के बाद सिंधिया ने आम जन के बीच बैठकर प्रधानमंत्री की मन की बात को गौर से सुना। उसके बाद कुछ समय के लिए उन्होंने सभा को संबोधित किया, बिल्कुल कुछ ही समय के लिए। सभा को संबोधित करने के बाद वे सांसद के आवास अर्थात सांसद के घर चले गए और वहां पे कुछ ही समय बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज सिंधिया दोनों के बीच एक बंद कमरे में लंबे समय तक वार्ता चलती है। जालौर में चल रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद को दूर करने की मंत्रणा चली और उस मंत्रणा का क्या रिजल्ट निकलेगा वो अभी तक कोई आउट नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज दोनों आज सांचौर के दौरे पर थे, लेकिन दोनों ने प्रधानमंत्री की मन की बात को अलग अलग जगह पर सुना। सीपी जोशी ने विश्व प्रसिद्ध गौशाला पथमेड़ा में मन की बात को गवालों के साथ सुना और उसके बाद वे सांसद के आवास सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। लेकिन इसी बीच एक दूसरी बात यह बड़ी है कि जब वसुंधरा राज्य से मीडिया रूबरू होने पहुंचा, उनसे सवाल जवाब करने शुरू किए तो उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा कि मैं कोई मीडिया से बात करने नहीं आई हूं या मीडिया को बाइट देने नहीं आई हूं। हर सवाल का जवाब उन्होंने काटते गए और अपनी गाड़ी लेकर रवानगी कर दी। आज वसुंधरा राजे ने मीडिया से काफी दूरियां बनाए रखी। करीब 3 से 4 घंटे तक वसुंधरा राजे सांचौर रुकी, लेकिन किसी भी मीडिया को कोई भी प्रकार का कोई बयान कोई बाइट देते नजर नहीं आए। जब मीडिया ने उनका पहला सवाल उनसे किया कि प्रदेश भर में कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और भाजपा किसके फेस पे चुनाव लड़ेगी, अर्थात सीएम का दावेदार किसको मानकर चुनाव लड़ेगी, तब उनका जवाब आता है कि मैं कोई बाइट देने के लिए नहीं आई हूं, कोई मीडिया से बात करने नहीं आई हूं। क्या फिर वे मीडिया से बात करने के लिए दोबारा सांचौर आएंगे? अब की बार जब वसुंधरा राज्य का ये सांचौर दौरा रहा तो उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया और सभा को भी कुछ इस समय के लिए संबोधित किया। क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, इनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है। लेकिन जी हाँ, यह सही है कि उन्होंने आज किसी भी प्रकार की सभा को कोई संबोधित नहीं किया, मीडिया को भी किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया, कोई बाइट नहीं दी और एक बंद कमरे में भाजपा जालौर के कार्यकर्ता और सीपी जोशी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री पूर्व वसुंधरा राज सिंधिया के बीच लंबे समय तक एक बंद कमरे में वार्ता चली और उसके बाद दोनों यहां से प्रस्थान कर लिए। उसके बाद सीपी जोशी ने पेलादर पहुंचकर दो नाबालिग बच्चियों को परिजनों को ढांढस पहुंचाने बंधाने के लिए सुनील जी सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुरेश जी, आपकी बेटियां कैसी है, आजकल क्या कर रही है?
जी मेरी बेटिया नंदिनी और यातिका है, एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है, और आपकी बड़ी प्रशंसक है आपकी। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपने क्लास पे जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह, देशवासियों के प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, दिल से आपका स्वागत धन्यवाद, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस कार्यक्रम के वजह से आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिल रहा है। देवजी भाई और उनके परिवार, मोहनलाल भाई को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे भी आपके इस कार्यक्रम के अंदर याद किया, और इतना भव्य आप लोगों ने किया है, मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। भूला राजा से मुलाकात करी हुई, तो भूला राजा भी इतने ही मेहनत कर रहे हैं जैसे सब लोग क्या कर रहे हैं, वैसे आपको यह होना नहीं चाहिए। दिल से